गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम आपको प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन 1 बताने जा रहे हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात करिए। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम आपको 2 पार्ट बता देंगे और इसके अलावा जो है जो 1 पार्ट बचेगा वो आप अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको सॉल्व कर लिया है और वो आपको समझा रहे हैं। तो पहला जो है इसका ये था कि 2x² - 3x + 5 = 0। तो उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0, इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, a = 2 आएगा, b = -3 और c = 5 आ जाएगा। अब देखिए विविक्त कर इसमें क्या है, d = b² - 4ac। तो इससे b का मान रखा आपने -3² - 4 इंटू a का मान रखा इंटू c का मान रखा, तो 9 - 40 = -31। तो ये ऋणात्मक है, क्योंकि विविक्त कर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है आपको दिया हुआ है, तो उसमें दिया गया समीकरण आपको है क्या है कि, एक सेकंड आपको बताते हैं, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो उक्त समीकरण की तुलना आपको करनी है व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से। तो a = 3 आएगा, b = 4√3, c = 4। तो विविक्त कर d = b² - 4ac। तो b का मान रखा, होल स्क्वायर निकाला, -4 × a × c रखा, तो ये 48 - 48 = 0 आ गया, क्योंकि d = 0 है। अतः समीकरण के मूल जो हैं वास्तविक और समान है। अब a = 3 था, b = 4√3 और c = 4 था। तो द्विघात समीकरण के जो फार्मूला है तो उससे हम मूल निकालते हैं, -b + -b² - 4ac / 2a, है ना। अब हम यहाँ पे देखिए कि मान रखते हैं, तो मूल बराबर क्या हो गया, -4√3 + -b² - 4ac / 2a। b का मान हमने रखा -4√3 और b अंडर रूट, ये b² - 4ac का मान क्या है, 0 है, तो ये वाला हिस्सा 0 आ जाएगा रख देंगे, और 2a 2 × 3 रख दिया तो हमारे पास आया -4√3/6। तो b² - 4ac = d था, d = 0 था, तो मूल हो गया 2/√3। तो समीकरण के मूल होंगे 2/√3 और 2/√3, ये इसके 2 मूल होंगे। तो ये देखिए, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, 2x² + kx + 3 = 0। तो उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, a = 2, b = k और c = 3। तो विविक्त कर निकाला तो ये आया b² - 4ac, तो b की जगह k² लिखा, -4, a का मान लिखा, c का मान, तो ये k² - 24 हो गया। तो समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि विविक्त कर d = 0। तो अब हम क्या करेंगे कि k² - 24 = 0 implies that k² = 24, implies that k√24, और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4×6=24 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ±2√6 होगा। तो मूल बराबर होने के लिए k का मान ±2√6 होना चाहिए। तो बच्चों ये आपके 4.4 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं और ये इसका लास्ट एक्सरसाइज था। जितने भी क्वेश्चन इन एक्सरसाइज के बचे हुए हैं 4.1 से 4.4 तक, वो सब अपनी कॉपी में करिएगा, जो ना समझ में आए वो हमसे पूछ